श्री दयाल जी महाराज की। सतगुरु से ती वीण तीर पर ब्रह्म सो परिणाम, अनंत कोट संत राम दास निस दिन करूं सलाम। नमो राम गुरुदेव जीर जन त्रिकाल के वंद, विघ्न हरण मंगल करण राम दास आनंद। सब संतन सो वीण तीर जो सुमरे जगदीश, जय हो। हरि गुरु हृदय में बसो और हमारे शीश। जय हो जय हो जय हो धन्य हो। जीवे सतगुरु बिना दुख पावे, मारा नैना में नींद ने आवे। जीवे सतगुरु बिना दुख पावे, मारा नैना में नींद ने आवे। नींद ने आवे सतगुरु बिना दुख पावे, मारा नैना में नींद ने आवे। परम सुन के वासी, अबे यासे बयर उदासी। वो तो परम सुन के वासी, अबे यासे बयर उदासी। ओ अमर लोग में पहुंचता, वे तो अमर जनाया दुविता। जीवे सतगुरु बिना दुख पावे, मारा नैना में नींद ने आवे। सूरत कपे पावो में, रात दिवस बिले मावो में। सूरत कपे पावो में, रात दीना बिले मावो। ओ में एक घड़ी नहीं रहता, मैं तो एक घड़ी नहीं माने बायक अमृत के ता। जीवे सतगुरु बिना दुख पावे, मारा नैना में नींद ने आवे। क्या सतगुरु बिना दुख पावे, मारा नैना में नींद ने आवे। जीव सतगुरु बिना दुख पावे, मारा नैना में नींद ने आवे।
पे धीरज कोन बंधावे माने राम इमरत खुण पावे अबे धीरज कोन बंधावे माने राम अमृत कोण पावे ओवे पूरण ब्रह्म अवधूतावे तो पूरण ब्रह्म अवधूतावे अर्जुन जाका पूतावे सतगुरु बिना दुख पावे हारा एना में नींद ने आवे जीवे सतगुरु बिना दुख पावे मारा एना में नींद ने आवे ओ मारा एना में नींद ने आवे मारा एना में नींद ने आवे मारा एना में नींद ने आवे सतगुरु बिना दुख पावे मारा नैना में नींद ने आवे जीव सतगुरु बिना दुख पावे मारा नैना में नींद ने आवे पूरनदासी महाराज की श्री अर्जुन दासी महाराज की बोलो खेड़ा पे धाम की रामदास महाराज को मोई बड़ो विश्वास लाखा बाता तार सीर कहे मनो हरदास चिंता दीन दयाल को मो मन सदा आनंद जायो सो प्रतिपाल सी रामदास गोविंद कदर बताई ओ सूरत शब्द कर आई ताते सूरत शब्द कर आई गुरु माने ऐसी कदर बताई
दिन प्रीत लगारी रस नारे नाम नेम कर लीना जिस दिन प्रीत लगारी प्रेम पर काशा हृदा माई प्रेम पर काशा आत्म की कम पाई गुरु मन ऐसी कदर बताई सबही मन को जाना ओ ना वीर माई नाद पर काशा सबही मन को जाना सभी भक्तों निवेदन है परम पूज्य सिंथल महाराज से और परम पूजी खड़प्पा महाराज से आप उनके बीच में पधार चुके हैं सभी भक्तों निवेदन है खड़ा होकर महाराज श्री का स्वागत अभिनंदन करें बोलो श्री हरिराम दास जी महाराज की बोलो श्री रामदास जी महाराज की बोलो श्री दयाल जी महाराज की बोलो श्री सिंथल खड़प्पा राम धाम की पर काशा सब ही वन को जाना नादिर माई नाद पर काशा सब ही वन को जाना बाटी खुल गई पचम दिशा की बाटी खुल गई बेरुदंड होई जाना गुरु मन ऐसी कदर बताई ओ सूरत शब्द घर आई ताते सूरत शब्द गुरु माने ऐसी कदर बताई Thank you.
आस सुने सागर माई अस तुबे जाहिरा हो अस तुबे जाहिरा गुरा माने ऐसी कदर बताई महाराज की बोलो श्री दयाल जी महाराज की बोलिए श्री राम जी महाराज की। जितनी संख्या है आप लोगों की वैसी जय जयकार नहीं हो रही है। बोलिए श्री राम गुरुदेव जी महाराज की। श्री सिंतल खेड़ापा राम धाम की। परब्रह्म सद्गुरु प्रणम्य पुनि सब संत नमोय हरि रामा मुर भवन में या पद समान कोय सदगुरु सेति विनती परब्रह्म सो प्रणाम अनंत कोटि संत रामदास निसदिन करो सलाम नमो राम गुरुदेव जी जनत्रिकाल के वंद विघ्न हरण मंगल करण रामदास आनंद खेड़ापा सुचिधाम विष्णु पदसु प्रद्योतने भास्कर श्री रामांग्रि सरोजलीन हृदय संज्ञान मार्गात्वग संसारा तपसांतये गणतरच्छायो महापादप पायानश्चरणाश्रितान निजजनान श्रीरामदासो गुरुं गुफावासी ज्ञानी गुरुपद निवासी रवि महा हृदयन संहारी त्रिदिव पतिहारी स्फुटगुण समच्चेतोहारी सकल मुपहारी नवमुदा दयालु श्री स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। बोलिए श्री राम जी महाराज की। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम पिता परमात्मा सच्चिदानंद घन आनंद स्वरूप श्री राम जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम। अनंत कोटि महापुरुषों के पावन श्री चरण कमलों में परम आराध्य आप हम सभी के इष्ट स्वरूप रामस्नेह संप्रदाय आचार्य पीठ सिंतल के आदि आचार्य श्री हरिराम दास जी महाराज के पावन श्री चरणों में बारंबार सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम। रामस्नेह संप्रदाय आचार्य पीठ रामधाम खेड़ापा के आदि आचार्य श्री रामदास जी महाराज एवं द्वितीय आचार्य श्री दयाल जी महाराज के पावन श्री चरणों में इस पावन परंपरा को बारंबार सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए वाणी जी महाराज को बारंबार सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए मंचस्थ विराजमान परम आदरणीय परम पूज्य प्रातस्मरणीय रामस्नेही संप्रदाय आचार्य पीठ सिंतल के आचार्य श्री पूज्य मावजी महाराज के श्री चरणों में बारंबार सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम। बोलिए श्री हरिराम दास जी महाराज की। मंचासीन परम आदरणीय परम पूज्य संध्या वंदनीय गुरु महाराज बाबजी महाराज खेड़ापा महाराज श्री के पावन श्री चरणों में रामस्नेही संप्रदाय आचार्य पीठ
खेड़ापा पीठ के वर्तमान आचार्य श्री गुरु महाराज के श्री चरणों में बारंबार सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम। बोलिए श्री रामदास जी महाराज की, श्री दयाल जी महाराज की। मंचस्थ विराजमान मुद मंगलमय संत समाज सभी के चरणों में बारंबार सादर साष्टांग सादर वंदन करते हुए सभी को सादर राम जी राम राम महाराज एवं दूर दराज क्षेत्रों से भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों से पधारे हुए राम स्नेह संप्रदाय आचार्य पीठ रामधाम खेड़ापा की इस परम पुनीत परंपरा एवं इस भक्तिमय फूल डॉल होली मेला महोत्सव के इस पावन अवसर पर पधारे हुए समस्त भाई लोग माताओं बहनों का यथा योग्य हार्दिक अभिनंदन। सबको सप्रेम राम जी राम महाराज। जोर से बोलिए राम जी राम राम महाराज। बड़े ही प्रसन्नता का विषय है, ना कोई प्रचार ना कोई प्रसार, परंतु प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी आप बड़े श्रद्धा भक्ति के साथ में लगभग 250 वर्षों से पूर्व की यह परंपरा चली आ रही है फूल डोल होली मेला महोत्सव की। इन दिनों में न जाने कहां कहां पर रंग पिचकारियां आदि आदि न जाने कितने गायन कुछ भी होते रहे होंगे, लेकिन श्री रामदास जी महाराज ने यहां पर इस धाम में फूल डोल होली मेला महोत्सव में सत्संग के लिए प्रेरणा दी भक्तों को कि यहां पर आवे और सत्संग का लाभ लेवे महापुरुषों के दिव्य धाम में बैठ करके। तो उसी क्रम में इस वर्ष भी आप लोग बड़े श्रद्धा भक्ति के साथ में पधारे हैं। सबसे प्रथम मंच पर मंचस्थ विराजमान परम आराध्य पूज्य सिंतल महाराज श्री का मैं निवेदन करूंगा, श्रीमान घनश्याम जी ओझा साहब से पधारे और पूज्य सिंतल महाराज श्री का माल्यार्पण करके स्वागत करावे, आशीर्वाद लाभ प्राप्त करें। श्री घनश्याम जी ओझा साहब, एक बार जोरदार करतल ध्वनि के द्वारा ओझा जी का बहुत बहुत सम्मान। हमारे बीच में बड़े ही श्रद्धा स्नेह रखने वाले हमारे बद्री राम जी जाखड़ भी पधारे हैं, इनके लिए भी जोरदार करतल ध्वनि के द्वारा सम्मान मैं आग्रह करूंगा। पधारे महाराज श्री को माल्यार्पण कर पूज्य खेड़ापा महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करके आशीर्वाद लाभ प्राप्त करें। आज महाप्रसादी का महाभंडेरक भंडारे का लाभ प्राप्त किया है हमारे घनश्याम जी डागा परिवार, उनकी तरफ से भी मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप पधारे और पूज्य महाराज श्री को माल्यार्पण करके और महाराज श्री का आशीर्वाद लाभ प्राप्त करें। श्री घनश्याम जी सिंतल महाराज साथ में हरिराम जी डूडी पूज्य श्री खेड़ापा महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करके आशीर्वाद लाभ प्राप्त करेंगे, माल्यार्पण करेंगे। बोली राम जी महाराज की। बोली राम जी महाराज की। इस मंच की यह परंपरा रही है महाराज श्री के प्रवचनों से पूर्व संतों का पधारे हुए संतों का संक्षिप्त उद्बोधन होता है। हमारे बीच जोधपुर के महापौर श्री घनश्याम जी ओझा पधारे हैं, तो यह धार्मिक मंच है और आप महाराज श्री के शिष्य हैं,
आप अपने संक्षिप्त उद्बोधन से हम सभी को लाभान्वित करेंगे। श्री घनश्याम जी हो जाए। बोले राम जी महाराज की, शीतल खेड़ापा राम धाम की। फुलडोल होली मेला महोत्सव के ऑन पर्व पर संतों की तपोभूमि रामधाम खेड़ापा के इस पवित्र प्रांगण में मंच विराजमान परम आदरणीय परम सम्मानीय 1008 शीतल पेटाधीश आचार्य श्री समराम जी महाराज, प्रात सम्मानीय आदरणीय खेड़ापा पीठाधीश आचार्य श्री पुरुषोत्तम दास जी महाराज, मंत्री विराजमान सभी संजन साहब, विराजमान श्रद्धालुजन, श्रद्धा की मात्र शक्ति, ये हम सबका परम सौभाग्य है कि होली के शुभ अवसर पर जब पूरी दुनिया रंगों में मशगूल है या कुछ गलत आदतों में नशे की ओर प्रवृत्त है, ऐसे समय में गुरु महाराज के आशीर्वाद से इन सब बुराइयों से दूर होते हुए हम सब लोगों को संतों का आशीर्वाद मिलता है। हम लोग प्रतिवर्ष यहां संतों के दर्शन करने हेतु, गुरुधाम के दर्शन करने हेतु, संतों का आशीर्वाद लेने हेतु यहां आते हैं। प्रतिवर्ष भी आते हैं, बार बार भी आते हैं, कई बार मंदिर भी जाते हैं, कुछ व्रत भी करते हैं, उपवास भी करते हैं, कथा भी सुनते हैं, क्रियाएं खूब करते हैं, लेकिन क्रिया में कितना विश्वास गुरु के प्रति, कितना विश्वास भगवान के प्रति, कितना विश्वास शास्त्रों के प्रति, कितनी आस्था, कितना समर्पण उनके प्रति है, ये मुख्य है। हम क्रिया कुछ भी कर ले, जब तक मन में आस्था नहीं होगी, जब तक भगवान के प्रति भाव नहीं होंगे, जब तक विश्वास नहीं होगा, तब तक मनवांछित फल नहीं मिल सकता। कई बार हम कहते हैं मैं बार बार खेड़ापा जाता हूं, बार बार हनुमान जी का व्रत करता हूं, लेकिन मेरी तो पीड़ा दूर होती नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे मन में क्रिया तो है लेकिन आस्था नहीं है, समर्पण की भावना नहीं है, इतना विश्वास नहीं है कि मैं जब भी खेड़ापा जाऊंगा, गुरु महाराज दर्शन करूंगा, मेरी सब पीड़ा दूर होगी। पीड़ा दूर नहीं हो रही है तो कहीं कि मेरे में कमी है। इतनी आस्था लेके अगर हम कमरे आएंगे तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा और हम सब आराम से अपनी जिंदगी जिएंगे। मैं एक बार मेरी ओर से आप सबकी ओर से गुरुचरण में प्रणाम करता हूं, सबके लिए आशीर्वाद की कामना करता हूं। राम। बहुत ही सुंदर संक्षिप्त शब्दों में आपने अपना उद्बोधन दिया। अब मैं निवेदन करूंगा बद्री राम जी जाखड़ अपने उद्बोधन के द्वारा सभी को लाभान। सबसे पहला मैं शीतल महाराज साहब को श्री श्री 1008 को नमन करते हुए श्री श्री 1008 खेड़ापा रामधाम के कुसुमदास जी को नमन करते हुए सामने मंच माते विराजड़ा हमारे सभी सात संतों को नमन करते हुए सामने विराजड़ा बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं और बहनों और प्यारे बच्चों, आपने होलीरा घना घना राम राम सा। आज रामा साहब आप लागन वाला ही है कि आज बहुत ही हमेशा की भांति जो मेलो खेड़ापा राम दामरो भरीजे, इन मेलाओं बहुत बड़ो फायदो है। गांव रे महीने
जिका बे चंग लेन अठी उठी झगड़ा करे बे रंग होली खेले पयारी बर्बादी अवे और आटे आई और भगवान रे शरणे आप आशीर्वाद ले जाओ तो आपने बहुत बड़ो फायदो मिले। ये मैं कहना चाहता संताना प्रवचन इसकी कोई कीमत नहीं है, अनमोल प्रवचन है। आप ये प्रवचन संताना ग्रहण करो और ग्रहण कर अच्छी गंदी आदत है वो तो आटे छोड़ दो और अच्छा प्रवचन है वहां ले जाओ तो आप रो सुधार रही। माता बहना ने कहनी चाहू आप अटे आया हो केड़पा राम दाम रे महीने तो भाई बूढ़िया नो ध्यान राख दो। बहना ने भैया ने सब ने कहो बूढ़िया ये पर हालात खराब है, माता पिता की सेवा कर जो, गौ माता की सेवा कर जो और आया हो तो कुछ दान करनी चाहिए जो भाई गया ने वास्ते गायों रो पुन आपरे साथ चालेला आपरे प्रवचन है ए आपरे हाथ हालेला अच्छो काम करियोड़ो। देखो बाप जी अच्छो काम करियो खेड़ा पर रामदा में माला फेरी उन माला रो पुन प्रतापू आज आप कितना लोग अटा आया है इन वास्ते आप इन माला रो पुन प्रताप रो आप ध्यान रखो और आया हो तो अटे भाई छोटी मोटी कोई नशा मुक्त आजकल है लोग गुटका ही कलड़ा खावे भाई ए गुटका बंद कर दे जो और युवा साथिया ने क्या होनी चाहू एक इसमें चलिए नहीं और थोड़ा गुणो रात रा पी लो होली रे दिन वही मत पीजो भाई आज के उन वास्ते में आप रे बीच में आया हूं नशा पता मत कर जो। जय बोलो रामदास जी महाराज की, खेड़ापा रामदाम की, आज के आनंद की। बोली राम जी महाराज की जय। बहुत ही सुंदर प्रेरणाएं और युवा साथियों को बहुत ही सुंदर नशे से बचने का आपने निर्देश दिया है और अवश्य ही आज के समय में यह नशा बहुत ही घातक इस समाज के लिए है। लेकिन हम सभी का यही मानना है, आपका भी यही मानना है कि यहाँ रामधाम खेड़ापा में जो होली मेला महोत्सव पे आए हैं, यहाँ सत्संग प्रेमी लोग आए हैं, निश्चित ही आप नशे से सर्वथा दूर हैं और सैकड़ों लोगों को आप दूर कर रहे हैं, ऐसा हम सभी संतों का मानना है। आप लोग इससे बचें, औरों को भी इससे बचाएं, यह सुंदर प्रेरणा दी है। मैं संतों के उद्बोधन के क्रम में सबसे पूर्व हमारे पाली राम द्वारा के संत सुरजन दास जी दो शब्दों के द्वारा उद्बोधन, बहुत ही संक्षिप्त तीन ही संतों के द्वारा उद्बोधन होगा। सभी संतों की तरफ से महाराज श्री के प्रवचनों से पूर्व वैद्यराज जी श्री रामरतन जी महाराज के द्वारा उद्बोधन, उससे पूर्व सुरजनदास जी। राम 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 इष्ट आधार बोलो, राम आस विश्वास, राम भरोसे रम रया निर्भय राम आदास। बोले श्री राम जी महाराज की। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद गण प्रभु परमात्मा आराध्य इष्ट श्री राम महाराज श्री गुरु महाराज आचार्य श्री रामधाम शीतल आचार्य श्री रामधाम खेड़ापारे पावन चरणों में दंडवत प्रणाम कर विराजमान बेग भगवान रे पावन चरणों में राम राम महाराज विराजुड़ी राम सभा ने हाथ जोड़ गणार गणा राम राम। अपन लोगों रा किता छोका भाग वेला कि अपना बडेरा केड़ो हाकरो स्थान अपन लोगों ने पकड़ायो जठे सिरपन सिरप राम भजन है, उपकार है,
सत उपदेश है। लगभग लाडला 270 सालू होली रे हके दिन ओ मेलो बरतो आ रियो है, क्योंकि विक्रम संवत 1809 में वैसागरी 11 श्री रामदास जी महाराज कनु श्री रामदास जी महाराज दीक्षा लिरावे, तो लगभग 270 आसपास री चर्चा मैं राम सने भक्तों एक ही आग्रह करूं, अपा हड़का हड़का अपाला नियमा में की कटौती ला रिया, एड़ एड़ा अपना बडेरा होता जिका गड़ारे में कंटी नहीं होती जिनमें पानी नहीं पीता। अब बार कई दिना ना बात करदा कि भाई थाने गड़ा में कंठी क्यों को नहीं, जिनमें बात कहे बाप जी मान लो ने तो मैं लफाड़ कंठी है तो ओ शायद एक कुतर्क वे सके क्यों आप परंपरा बढ़े अपना पूर्वज कि गड़ा में कंठी राखनी चाहिए। मैं माने गुरु महाराज ना बात देखता के यार हजामत करावता है उन टेमरा भी आप चादर कनी कंठी ने बांध भी राखता हाथ में ले और गड़ारी चेप भी राखता, तो बिना कंठी अपना बडेरा पानी तक नहीं पीता। अपन लोगों ने एक इतो हक रो मार्ग बतायो ईमानदारी देखो मैं हाथों खड़ा नहीं करूंगा लेकिन जितना भी बैठा है बिना कंठियाला किता वे सके इन थोड़ो के मंथन करो। अपन कंठिया क्यों छोड़ लिया, कई तकलीफ है अपन लोगों ने कंठी राखना में, कई कई घर में अपना जी का 15 नियम है उन 15 नियमों में अपाला कई जना घर में पानी छानने वास्ते कपड़ा राखना भी बंद कर दिया। अपने घर में पानी नहीं छड़े कपड़ों जो को पानी छड़नो चाहिए वो पानी छड़नो बंद हो गो। कई एडा मिनखान देखता जी का आपरे गड़ार में नहीं एक डोरो लटकाए पर हाथ कपड़ो राखता बिना छानिया पानी तक नहीं पीता। और अपन लोगों का अबे धीरे 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 अपा इतना ही क्यों दूर जा रिया हाँ, कई जना रहे जड़ो की अबार संकेत करियो अपाला इतना भूल करने लागा कि जिकी चीजा अपन द्वारा नहीं वेड़ी चाहिए। अपन महिला कई जना जिनी अपन पूजा नहीं करनी चाहिए बाणी भी अपन लोग पूजा करनी हरू कर दी। अरे अपना बडेरा एक राम जी रो इष्ट बतायो उना इष्ट रे माते अपन लोगों ने मजबूत रहनो चाहिए। इमें भी घनी घनी अपन लोगों कमी आवे बादवारा दिन आवेदन कई मोटिया साइकिल ले लेन कई जना पाड़ार कई जना फटफटिया ले लेन उटी लफाड़ जावे कोकण हमी। तो आ बात अपन लोगों बात ठीक नहीं पाणु कोई अपनो व्यक्तिगत विरोध नहीं है लेकिन सीधी सी बात है कि अपन लोगों ने सिद्धांत में नहीं है इनो भी अपन लोग ध्यान रखो। कई जना आसोजरा चेतरा नोरता आवे बाणा भी घना जना व्रत रखे अबार हाथ दिन पते शीतलाष्टमी आई तो कई जना वे ठंडा भी आप घर में बनावे खावे करे। ये बात जितनी भी अपन लोग बोला अपन लाग तो वेला कि ये बात अपन लोगों ने क्यों होना लेकिन अपना बडेरा अपने इन परंपरा मत चलावता। और कई जना ने हजू बात कहूं इतना बेमिला होगा और इतना बोला होगा कि वे भोपा बड़ा लारे भी जाऊना हरूगा और बार भोपा ने जाए जान पूछे मारो कलंकी कर गटी तो अपने तो दो दो गुरु महाराज विराजमान है वेग भगवान विराजमान है आटे छरणाओ लियोड़ और आने पूछो को नहीं अपनो कलंकी कर गटी। वो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए खूब अपन लोग महीने कमी आवे तो गणो तो नहीं बोलना चाहिए लेकिन इन्हें असर मैंने हम जाओ कि अपन लोग भटक क्यों रिया दिशाओं भ्रमित क्यों वे रिया कटे कई जरूरत ही कि अपन दिशा भ्रमित कर रिया। तो इन्हों खूब अपन लोग प्रयास करा अपनो आहार विहार शुद्ध वे खूब अपने मुंडारे द्वारा राम भजन वे
अपने द्वारा उपकार वे कि उस सेवा कार्य में भी के यार अपन लोग देखा अटी इतना मंच मत नहीं बोलनो थी जे लेकिन अटे जिम ने जावा जो थाली भी अपाणी छोड़ पर न जावा क्यों अपाणो एटड़ो संत दोवेदन ठीक लागे गई अपनी थाली संत माजे ठीक लागे गई सेवा कार्य अपने द्वारा नहीं वेरी हो तो इन सेवा कार्य माते भी अपन खूब ध्यान दा रा बोले राम जी महाराज की। बहुत ही बढ़िया चर्चा रामस नहीं नियमों के विषय में हमें सुनाई है। अपना मुख्य नियम तो ये होना ही चाहिए कि पाठ तो रोजाना वाणी जी महाराज का हमें करना ही चाहिए। चरणामृत का पान और करुणा सागर वाणी जी महाराज के पाठ का तो नियम हमारा होना ही चाहिए। चाहे हम संत हैं और चाहे आप सदगृस्त है, सब लोगों के जीवन में पाठ का नियम होना चाहिए। अगर पाठ का नियम है तो संकटों से दूर है, और पाठ का नियम नहीं है अपार संकट हमारे ऊपर आते हैं। इस बात का ध्यान लेना। हर कार्यक्रम में, हर वर्ष के अवसर पर, मेले के अवसर पर हम सभी इस बात को सुनते हैं, कहते हैं, लेकिन जब तक ये बात हम हमारे जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक कोई बात बनेगी नहीं। बहुत ही बढ़िया हमारे महापुरुषों के द्वारा बनाए हुए बताए हुए नियमों की चर्चाएं हमें सुनने को मिली। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे संत श्री रामरतन जी महाराज मसूरिया, आप अपने उद्बोधन के द्वारा संक्षिप्त में